सीएम योगी ने सुनी फरियाद, अधिकारियों से बोले चिंता की हर समस्या का तुरंत हो समाधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वे सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति के लाभ धन के अभाव में रुकने ना पाए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे और उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। बुधवार सुबह हमेशा की तरह तड़के अपने आवास से निकलने के बाद योगी ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर शीश नवाया। मंदिर परिसर के भ्रमण और गोसेवा के बाद वह हिंदू सेवाश्रम गए, जहां सुबह से ही अपनी समस्या बताने के लिए लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वहां आए हर एक के पास खुद पहुंचकर उनका प्रार्थना पत्र लिया। प्रार्थना से जुड़े मामलों को समस्यात्मक आवेदन पत्र उन्होंने जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश को दिया।